हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। आप सबको पता है कि जो फैमिली ग्रुप है, ये ग्रुप अधिकांश स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। इससे हर एक साल एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडिकल में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको मिल सके। और मेडिकल के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स जानना है तो सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, जैसे आप सबको बता दूं कि तीन ग्रुप होते हैं। पहला नंबर फेवेसी, लिलियसी एंड सोलेनेसी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो बताने वाला हूं आप या तो इसको नोट कर ले या मैंने टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप। फ्रेंड, आप सबको बता दूं कि सबसे पहले कुछ सीक्वेंस आपको याद रखना है। केसीएजी, ये जो सीक्वेंस है केसीएजी, जो केसी सिन्हा का बुक आता है कुछ इस टाइप का, केसीएजी इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। फ्रेंड, के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी स्टैंड फॉर कोरोला, ए स्टैंड फॉर एंड्रोसियम, मतलब जो मेल पार्ट के लिए यूज करते हैं एंड्रोसियम, और जी स्टैंड फॉर गाइनोसियम, जो कि फीमेल पार्ट के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड, ये के सबसे पहले क्यों मैंने लिखा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैलिक्स है फ्रेंड, कैलिक्स ये फ्लावर का आउटर पार्ट होता है। ये फ्रेंड देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये सबसे जो आउटर पार्ट होता है ये वाला, ये कैलिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड, और जो पिटल जो होता है वो जो कलर ऑफ पार्ट होता है उसको पिटल बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आप। यहाँ पे ये सीक्वेंस के सी ए जी आप याद रख लेना। फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपको मैं बताता हूँ। नंबर एक, दो, तीन, ठीक है फ्रेंड, ऐसे डालेंगे। फ्रेंड, एक पे देखेंगे फेबिसी, कारण कि जो एफ आता है मतलब फर्स्ट होता है, एफ मतलब फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट पे रखेंगे। और तीन नंबर पे लिलियसी फैमिली रखेंगे, क्योंकि एल मतलब लास्ट होता है और तीन ही होता है, तो बचा सोलेनेसी फैमिली, उसको दूसरे नंबर रख देंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे रखेंगे। और अब क्या करते हैं फ्रेंड, ध्यान से देखना, जो कॉमन जो है इन तीनों में उसको सबसे पहले हम याद रखेंगे। कॉमन क्या है, ये जो फैमिली है यहाँ पे, ये प्रत्येक तीनों फैमिली का, तो ये फ्रेंड तीनों में जो ये बाइसेक्सुअल जो ये सिंबल यूज किया गया है तीनों में होता है, तीनों पार्ट में। और ये जो ए और जी तीनों में होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम तीनों में होता है। तो इसको आप डायरेक्ट पहले लिख लेंगे, बाइसेक्सुअल तीनों होता है। ठीक है फ्रेंड, और एंड्रोसियम गाइनोसियम जो होता है तीनों में होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं आप। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लिलियसी फैमिली से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये लिलियसी फैमिली में जो होता है, ये जो पी होता है पेरियंथ होता है, यहाँ पे पी लिखते हैं, मतलब पेरियंथ इसलिए होता है फ्रेंड। कैलिक्स मतलब के और कोरोला मतलब सी। फ्रेंड, ये दोनों क्या होता है, आपस में एक साथ ही यूनाइटेड होता है। जब आपस में दोनों एक साथ यूनाइटेड होगा तो पेरियंथ होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला आर यूनाइटेड, उसको पेरियंथ बोलते हैं। तो तीनों थर्ड में तीनों एक साथ कंबाइन होता है, इसलिए पी लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पे सब में तीन 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 कॉमन आ रहा है, तीन नंबर में लिखा तीन 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 तीन। ठीक है फ्रेंड, तो पेरियंथ में जो होता है थ्री प्लस थ्री होता है। ठीक है फ्रेंड, थ्री प्लस थ्री। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप ये फ्यूज्ड है, मतलब ब्रैकेट जो लिखा हुआ है ये फ्यूज्ड है। ठीक है फ्रेंड, एंड्रोसियम भी थ्री प्लस थ्री, ये फ्यूज नहीं है, और गाइनेसियम भी फ्यूज्ड है थ्री। मतलब आपके माइंड में जैसे लिलियसी फैमिली आया तो पेज आना चाहिए, पेज मतलब पेज नहीं होता, पेज। और तीन नंबर में लिखा है मैंने, ये तीन सब में थ्री 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 डाल देंगे आप। ठीक है, अब डालते हैं सोलेनेसी फैमिली पे आते हैं, केसीएजी। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे फाइव फाइव फाइव, इसमें फाइव फाइव ऐसे फाइव फाइव फाइव, फिर फ्यूज्ड और फिर फ्यूज्ड, मतलब फ्यूज्ड मतलब ब्रैकेट। तो देखिए फाइव फाइव फाइव, और ये फ्यूज्ड है, ब्रैकेट है इसमें, पहले ब्रैकेट दोनों में है, इसलिए फाइव 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 और फिर फ्यूज्ड फ्यूज्ड। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाइनोसियम वन, गाइनोसियम टू और गाइनोसियम थ्री, मतलब वन टू थ्री मतलब होता है कि फ्रेंड आपको बता दूं मैं, ये होता है आपका कोरोला। ठीक है फ्रेंड,
सॉरी नोट करोला कार्पेल, वन कार्पेल, इसमें दो कार्पेल, इसमें तीन कार्पेल। कार्पेल आप सबको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का होता है कार्पेल होता है, मतलब जिसमें कार्पेल मतलब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों होता है कार्पेल। तो इसलिए और जैसे सीक्वेंस मैंने लिखा है वैसे गायनोसियम एक कार्पेल, गायनोसियम इसमें दो कार्पेल, इसमें तीन कार्पेल, ठीक है फ्रेंड। ये और ये फ्यूज है आपस में, वन भी फ्यूज हो जाएगा लेकिन वन को फ्यूज करके कोई एक ही है तो फ्यूज क्या करें। तो फ्रेंड सोलनेसी में भी आपको 5 5 5 और फेवेसी में भी दे क्या, फेवेसी में मतलब यहाँ भी 5 जो कैलिक से 5 और यहाँ भी 5 होगा लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है 1+2+2 या 1+2+2 ऐसे भी कर सकते हैं, 2+1+2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको और यहाँ पे देखें ये एंडोसियम जो है ये दोनों ये अलग अलग लिखा हुआ है तो 5 और 4 9+1 ऐसे लिख देंगे, मतलब 5 और जो ब्रेक किया हुआ है ना ब्रेक, तो यहाँ पे दो 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 बार है तो यहाँ पे 5 और 4 9 और एक सिंगल है तो इसलिए हमने अलग से 1 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। तो और ये तो आपका पार्ट ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखें फ्रेंड ये परसेंटेज कुछ डिवाइड का सिंबल आपको नजर आ रहा है जिसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं हम, जाइगोमॉर्फिक, और बाकी दोनों में प्लस का सिंबल है इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले सबसे रूल देखें डिवाइड फिर ऐड, तो वो वाला रूल चला देना आपको। तो सबसे पहले आपको ये डिवाइड वाला रूप जो होता है ये जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, बाकी दोनों में आपको एक्टिनोमॉर्फिक, और एक में आप ब्रैकेट आएगा लिलियसियम ब्रैकेट, आपको ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है इसको याद रखना है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा सी और ए में क्या आता है ऊपर से देखना है ऊपर, ये भी ब्रैकेट लगा हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड कुछ इस टाइप का आपको याद रख सकते हैं फ्रेंड, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया फिर से करा देता हूँ। एफ मतलब फर्स्ट, एल मतलब लास्ट और बीच में सोलनेसी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और जो तीन नंबर पे होगा तो आपको याद रखना है कि तीन नंबर पे ऊपर का जो दोनों होता है फ्रेंड वो आपस में फ्यूज होता है, कैलिक्स कोरोला फ्यूज होगा इसलिए पी लिखते हैं हम। और बाकी तीन नंबर पे है तो तीन 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 डाल देंगे सब में, सोलनेसी 5 5 5 डाल देंगे और फर्स्ट में जो है ना डिवाइड रूल कर देंगे, पहले 5 फिर उसको डिवाइड कर देंगे फ्रेंड। एक दो बार देखेंगे आप याद हो जाएगा क्या बुक में क्या होता है ना। और ये फ्रेंड जो आपने ये जो फ्यूज्ड सुपीरियर जो होता है नीचे और नीचे जो लाइन खींचा हुआ है ये सुपीरियर होता है फ्रेंड, क्या बोलते हैं सुपीरियर, और ब्रैकेट जो डाला हुआ है उसको फ्यूज्ड बोलते हैं। तो इसलिए हम गायनोसियम को बोलते हैं सुपीरियर फ्यूज्ड एंड सुपीरियर या सुपीरियर एंड फ्यूज्ड। तो फिर आप जब लाइन पढ़ेंगे ये जो फैमिली ग्रुप का एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो मैंने बताया उसमें आ जाएगा, और एग्जांपल्स अब आपको याद कर लेने हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अगर चाहते हैं कुछ इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स ताकि आप एक दो बार देखें याद हो जाए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा और अच्छा से अच्छा कोशिश करूंगा बताने को, शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छा से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब शेयर और लाइक्स जरूर करें।